अरे भैया आओ देखा बड़ा नीमन आइटम जाते हो। अरे यार तुम्हारी नीयत हमेशा गंदी रहती है। अरे हम ओकर बात ना करते भैया, हम जो गोदिया में लेके जाते देखा। अरे यार हमने तो उसके बाड़ी फिकर पे ध्यान दे दिया था। अरे भैया उनके बाड़ी फिकर पे मत धंधा, चला ऊपर चला ऊपर ले रहे थे। अरे भैया लोगन कहाँ जाए जाता था, कब अभी का काम आज तने समय में लड़की वाके तबीयत खराब रह लिया, फिर हमें पता ना है कि जो कहाँ डॉक्टर हुआ, फिर हमें नया हाँ बुखार लग रहा है, अब फिर वो बाहर रहा ना बूढ़ सासी में ना नहीं जा सकी है, हमें मालूम ना बजरिया कितनी कितनी दूरी पे है, तने हमें बता दो लड़की वाके तबीयत बगड़। अरे भाभी ठीक ठीक बजरिया हुई है, देखते हम सब तक चलती ना, हम लेके चलो खिला ना तनी हमें बता दे। अरे तू थक गई है तो दादा दादा बाबू के हम लोग चला थी गरम है इसका दिन बहुत ज्यादा हाँ। 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 तो प्लेट में घाम ना लगी साले कमीने कहीं कि मेरे बच्चे को लेके चले गए, मैं क्या करूं किसको बुलाऊं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरा बच्चा क्या करूं, अब कोई है भी नहीं घर पे, तो माँ थी उनको मैं बोल ही नहीं सकती, वो चल ही नहीं सकती है, क्या करूं। अरे ये तो मैं भूल ही गई थी, अब बताते हैं लोग कमीने कहीं के दोगले, अब बताती हूँ मैं इन लोगों को, खाली गन उठाना छोड़ा था, चलाना नहीं छोड़ा था, मुझे मुझे पता था कमीनों कि तुम्हारे जैसे कमीने जरूर मिलेंगे मुझे रास्ते में, वो तो अच्छा हुआ कि मैं इसको लेके चली, अब नहीं छोड़ूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे बच्चे को लेके गए ना तुम लोग, तुम लोगों को तो जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं चाहे कुछ भी हो जाए, अब नहीं छोड़ूंगी। तुम कमीने साले तुम लोगों को क्या लगा कि तुम लोग दादा हो, तुम जैसे दादा मेरे जूते के नीचे रहते हैं, लेकिन अब नहीं छोड़ूंगी मैं तुम लोगों को चाहे कुछ भी हो जाए, आओ कमीनो इसी रास्ते से जाओगे ना हराम पिल्लियो, आओ आओ तुम लोग आओ इसी रास्ते से जाओगे यहीं से जाओगे, आओ तुम लोगों की जितनी हैकड़ी होगी ना सब निकालूंगी मैं, तुम जैसे दादाओं की भी दादी हूँ मैं, आओ तुम लोग बता रही हूँ मैं तुम लोगों को कमीनो, आओ तुम लोग आओ तो तुम लोग पहले, छोड़ूंगी तो नहीं तुम लोगों को, इधर ही छुपी रहूंगी। साले मुझे हल्के में मत लिया करो, मैं भारतीय नारी हूँ तुम्हारे जैसे कि मैं मजिया उड़ा दूंगी समझे।